दोस्तों, आज नए दिन की शुरुआत हो रही है, हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज हमारी छत पे से। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। पूजा हो गई है मेरी, नहा चुका हूँ, यशान जा चुका है स्कूल, और अभी मैं छत पे आया था जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको भी सूर्य देव को दर्शन करा दें। ये है सूर्य देव, और मैं जल चढ़ा दिया है। अब ऑफिस की तैयारी है, 9:05 या 9:10 के लगभग का टाइम हो रहा होगा। और ये है हमारी छत, कॉमन छत है इसलिए हमारी है क्योंकि हम टॉप पे रहते हैं, तो टॉप के ऊपर वाली जो छत होती है वो हम ही यूज़ करते हैं। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, कम ही लोग आते हैं। अब क्योंकि मैं पूजा करता हूँ तो जल चढ़ाने के लिए मैं छत पे ही आता हूँ। जल चढ़ा दिया मैंने, अब देखते हैं नीचे काजोल क्या कर रही हैं। हालांकि वो नाश्ते की प्रिपरेशन में लग चुकी थी, यशांश को भी सुबह नाश्ता दिया था, तो प्रॉबेबली वही होगा जो यशांश को दिया होगा। बाकी देखते हैं नीचे चल के कि काजोल ने क्या बना लिया है आज। हाँ जी, क्या चल रहा है भाई? क्या बना दिया? लंच की तैयारी, चाय नाश्ते के लिए, ये खाने के लिए, टिफिन का। हाँ, और नाश्ता भी तुमने बनाया नहीं है मेरा। बस बना रही हूँ, पहले टिफिन तो पैक कर दूँ। अच्छा चल ठीक है। दोस्तों नाश्ता हो गया है रेडी, और काजोल ने बनाया है आज। हाँ जी, क्या बना दिया आज? पनीर का पराठा। पनीर का पराठा, ये देखिए चाय के साथ। और ये है, खोलना इसको, खोलने के बाद जरा दिखाओ जरा, पनीर का ही है ना? ओ भाई गॉड, मतलब तुम मेरे ऊपर संशय कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं भाई, वाह ये ही बात। यस, भरपूर नाश्ता हो गया है रेडी। अब मुझे निकलना है ऑफिस, और मेरे खाने से पहले तुमने खाना शुरू कर दिया। आए, एक बाइट लिया मैं तो चाय। अच्छा ठीक है, गैस के पास रखी ढकी हुई। चलो जी नाश्ता करके फिर निकलते हैं ऑफिस। फाइनली गाइस, आ चुकी हूँ मैं घर। टाइम हो चुका है 2:45 का, यशांश के आने का समय हो रहा है। और क्योंकि उसके बाद चली गई थी मैं खाने बना मतलब नाश्ता वगैरह करवा के इनको, फिर मैं चली गई थी अपनी थेरेपी के लिए, फिर मैं गई सैलून, उसके बीच में कपड़े डालने आई थी, और फिर वहाँ से आके अभी आई हूँ। बस आके सामान वामान लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रूट्स भी सब ख़त्म हो चुके थे और मटर भी नहीं थी, मटर भी ख़त्म हो चुकी थी। इस मौसम में मटर तो घर में होनी चाहिए, 10 ऑप्शन समझ में आते हैं कि क्या बनाना। और फिर मुझे लगा कि टाइम हो गया तो खाना बना लिया जाए, तो ये बन रही है हमारे कढ़ी चावल, और कढ़ी बन रही है आज बहुत दिन के बाद, और यशांश का भी समय हो रहा है आने का, तो जब तक ये बनते हैं उसका समय हो जाएगा, तो चलो उसको लेने चलते हैं। हे गाइस, आ गया हमारा शैतान बच्चा स्कूल से। कैसा रहा भाई स्कूल? बढ़िया। लंच कर लिया? कर लिया सारा, थोड़ा रह गया। क्यों रह गया? भूख नहीं लग रही थी। और वो खा लिया था तुमने? केक खा लिया था पूरा? खा लिया। तो गाइस ये केक भी लेके आया हूं मैं, देखो कितनी थक गई हूं, इसमें ऐसा लग रहा है पड़ जाऊं उधर दोरा कंधों में। खाना लो यशा, खाना मिल गया तुम्हारा। ये लो तुम्हारे स्पून, ये कढ़ी चावल और तुम्हारी वो शलजम। चलो खाओ फटाफट खाना। अरे ना जात के काटा, मैं पहुंच गया हूं घर। और ये आराम आराम, सारा दिन सारे थकी पड़ी मैं। इसे कहते हैं मौज। सही बात है बेटू, तुम्हें तो रात को आओ तो तुम्हें दिखेगा मौज है, कुछ करती नहीं है तो सारे दिन और मौज में पड़ी रहे बस। ये भाई साहब खा रहे हैं, ये दोनों जने खा रहे हैं यहाँ पे पिज्जा। दिस इज मौज। और ये पिज्जा कौन लेके आया है? ये लेके आया है इसका मामा। क्यों लेके आया? इसका बताएगा भाई। T20 में बैट लग रही थी, लास्ट मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, मैं कह रहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ये कह रहा था इंडिया जीतेगी।
सोच रहा ऑस्ट्रेलिया वाले ही ना खेल ले कोई काम वे लास्ट मोमेंट में हार गए तो बैट हार गया तो मैं पिज्जा लेके आया। हाँ भाई गुलू क्या कहता है तुझे मेरे पे? अरे मार तेरी कहता है तुझे मेरे पे। और हमें भी मिल गया साइड से जा रहा। इंडिया जीती थी मामा जी मकान जी की चार दिन हो गए भाई सब मुझे पता मैं कहाँ गुजर रहा मेरा इंडिया इंडिया दहशत वो अभी खा के आया बाहर से कह रहा नहीं मैं खाऊंगा अगर मैं दोपहर भी नहीं खाए ना एक बात तो सुनो ये बड़ी बहन की दहशत बड़ी बहन की तो होगी पर पत्नी की दहशत करा गई। पत्नी की दहशत पत्नी को पता है कि मैंने मना करा है कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। हाँ पिज्जा खाऊंगा। एक स्लाइस है एक छोटी सी स्लाइस है यार को बात हो गई है। इतनी कैलरी उस कड़ी चावल की पूरी कैलरी में नहीं होगी जितनी इसकी एक स्लाइस में। कैलरी की तो बात है कि मैंने अभी दो लड्डू खाए ये को बात हो गई है और वो स्वाद तो इसमें मिला है। वो मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा मैं पिज्जे का कार्ब खाऊंगा। हां गुनु सुन थारा तो वो काम हो गया उनको मैं क्या क्या कहते हैं परहेज करूं मैं गुड़ खाऊं मैं शाम को रोटी नहीं खाऊं भाई गुड़ खाऊंगा और वो खाऊंगा क्या खाऊंगा लड्डू खाऊंगा। इस तो तुम रोटी खा लेते नुकसान तो ना देती